नर्वस टिशूज फर्स्ट आर कॉन्टेंट्स नर्वस टिशूज कंपोजिशन ऑफ नर्वस टिशोज न्यूरोस एंड फंक्शन ऑफ न्यूरो आर नर्वस टिशूज फर्स्ट आर नर्वस टिशूज़ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर फोर मेजर टाइप्स ऑफ टिशूज़ में द लास्ट वन या इंपॉर्टेंट एक जो है वो नर्वस टिश्य हैं फोर मेजर टाइप्स में दे आर द एपिथीलियल टिशूस दे आर द मसल टिशूज कनेक्टिव टिशूज़ एंड द नर्वस टिशूज नर्वस टिश्यूज़ को अगर हम बात करें दे आर स्पेशलाइज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़ ये ऐसे सेल्स हैं ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनका बेसिक काम इंफॉर्मेशन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना रिसीव करना और उनको प्रोसेसिंग करना है यानी इन जनरल हम कह सकते हैं कि दीज आर द टिश्यूज़ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड कंट्रोलिंग द बॉडी एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के, के जितने भी फंक्शंस हैं चाहे वो वॉल्ट्री हैं चाहे वो इन वोलेंट्री हैं दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द नर्वस टिश्यूज़ जैसे हार्ट बीट हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं लेकिन हमारे नर्वस टिशूज़ के कंट्रोल में ज़रूर है इसी तरह से हमारा जो इंटरनल गैस्ट्रो इंटरस्टर मोटेलिटी है जो डाइजेस्टिव ट्रैक की मोटेलिटी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम की कंट्रोल में ज़रूर है इस तरह से जितनी मूवमेंट्स हम हाँ अपनी मर्जी से करते हैं वो भी हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हैं तो नर्वस सिस्टम तमाम पार्ट्स के दरमियान कोआर्डीनेशन और उनकी जहाँ ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल करता है नर्वस टिश्यूज आर मेनली फाउंड इन द ब्रेन स्पाइनल कार्ड एंड द नर्व्स। नर्व्स, ब्रेन हमारे स्कल के अंदर मौजूद है स्पाइनल कार्ड हमारी बैकबोन के अंदर मौजूद है और नर्व्स वो फाइबर्स हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं और ये तमाम बॉडी के दरम्यान कोऑर्डिनेट कर रही है कंपोजिशन ऑफ नर्वस टिश्यूज़ नर्वस टिश्यू का कंपोजिशन देखते हैं तो दे आर मेड अप ऑफ नॉर्मली थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दे आर मेड अप ऑफ नीरोग्लाय एंड पेरीफ्रल ग्लाइल सेल्स अच्छा यहाँ अगर हम देखें तो नर्वस टिश्यूज़ जो है फिर ये सिंपल टाइप होंगे या कंपाउंड टिश्यूज़ होंगे आमतौर पर जब हम टिश्यूज़ को डिफाइन करते तो हम कहते हैं टिश्य दो कैटेगरीज में हैं। दे आर दिम्पल टिश्य एंड द कम्पाउंड टिश्य तो सिंपल टिश्यूज़ वो होते हैं जिनमें एक ही टाइप के टिशूज सेल्स पाए जाते हैं जबकि कंपाउंड वो है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं तो नर्वस टिश्य के अंदर आपको थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स नजर आ रहे हैं इट मीन्स जो नर्वस टिश्यूज़ हैं दे आर दी कंपाउंड टिश्यूज ओके लेट विच कम टू अर्थ द नर्वस टिश्यूज़ नर्वस टिश्यूज में न्यूरॉन्स या जो बेसिक फंक्शन है वो है मैसेज को ट्रांसफर transfer करना ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेज प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज कि मैसेज को किसी बॉडी पार्ट से लेकर इन्वायरमेंट से लेकर ब्रेन तक लेकर जाना उसकी प्रोसेसिंग करना और आगे उसका ऑर्डर जारी करना ये सारे का सारा काम जो न्यूरॉन करेगा यानी कम्युनिकेशन जितनी भी है वो न्यूरॉन्स ने करनी है देन न्यूरोग्लायल सेल्स न्यूरोग्रायल सेल्स वो हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, के अंदर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उनको न्यूरिश कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स को फूड प्रोवाइड करते हैं न्यूरिश करना और उनकी प्रोटेक्शन करना चाहे वो न्यूरोग्लायल सेल्स का काम है कौन से न्यूरॉन्स का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है इससे पेरीफ्रल ग्लायल सेल्स पेरीफ्री कहते हैं अतराफ को साइडों को तो जो हमारी नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं उनकी प्रोटेक्शन और उनके जो न्यूरॉन सेल्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करना जो है पेरीफ्रल ग्लाइट सेल का जॉब होगी तो इस बेसिकली आर फॉर प्रोटेक्शन एंड न्यूरिशमेंट ऑफ दी पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम जो, जो कि हमारे पास एक्चुअली क्या है नर्व्स हैं नर्वस सिस्टम का जो मेन रोल है जो फंक्शनल रोल है वो न्यूरॉन का है अगर हम जितने भी जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर एक्चुअल क्या होता है एक्चुअल मैसेज ट्रैवल करता है मैसेज की प्रोसेसिंग होती है मैसेज आगे ऑर्डर की फॉर्म में जाता है अब नर्वस सिस्टम में जो मैसेज ट्रैवल करता है वो आमतौर तो पर इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में ट्रैवल करेगा ये इसके अंदर तो न्यूरॉन्स को अगर हम देखें दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड सेल फॉर ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या फिर उसको हम इम्पल्स बोलते हैं नर्व इम्पल्स भी कहते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल को न्यूरॉन्स को बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन का वो पोर्शन जो मैसेज को रिसीव करता है वो थ्रेड लाइक -like होता है उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स उसके बाद न्यूरॉन का वो पोर्शन है जो कि उसका सेल बॉडी बनाता है जिसके अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म मौजूद है दिस इज द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन डेंड्राइट्स एंड द सेल बॉडी उसके बाद न्यूरॉन के पीछे एक लॉन्ग जो है वो एक थ्रेड कह सकते हैं फाइबर होता है जो मैसेज को आगे दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाएगा एंड दिस थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक पोर्शन इज कॉल्ड द एग्जॉन दिस इज डेंड्राइट सेल बॉडी एंड एग्जॉन थ्री पार्ट ऑफ द न्यूरॉन न्यूरॉन्स अब डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं फंक्शन के लिहाज से न्यूरॉन्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स एसोसिएटिव न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स या सेंसरी मोटर एंड द इंटर न्यूर इंटर न्यूरान को एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी बोलते हैं अच्छा इसके फंक्शन अगर आप देखें सेंसरी का से मतलब कहता है सेंस करना किस चीज़ को फील करना तो सेंसरी न्यूरॉन्स वो हैं जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ ले कर जाते हैं दे आर सेंसरी न्यूरॉन्स मोटर मोटर का मतलब है चलाने वाली चीज़ तो ब्रेन से जो ऑर्डर है वो आगे वापस डिफरेंट पार्ट्स को लेकर जाना जैसे अगर मैं अपने हैंड को मूव कर रहा हूँ तो ब्रेन से मैसेज ट्रैवल करके हैंड तक आ रहा है अब ये मैसेज कैसे ट्रैवल करा ड्यू टू द मोटर न्यूरॉन्स तो मोटर तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि हमारी लेग्स तक हमारे हैंड्स तक और बाकी बॉडी पार्ट्स तक मैसेज को लेकर जाते हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटर न्यूरॉन्स वो हैं जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं और इनका बेसिक काम होता है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक डिसीजन लेना प्रोसेस करना चाहिए इंटरन्यूरानस का काम होता है हयर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ थ्री न्यूरॉन आप देखिए सेंसरी मोटर और इंटरन्यूरान का फंक्शन डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर में भी इसमें वेरिएशनस हैं सेंसरी न्यूरॉन का आमतौर पर डेंड्राइट लॉन्ग होता है सेल बॉडी और उसके बाद आगे एक लॉन्ग एक्जॉन मौजूद है ये सेंसरी न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट इस्तेमाल होते हैं उसके बाद सेल बॉडी और एक बार लॉन्ग एग्जॉन मौजूद है इसका सम टाइम समजॉन आगे जाकर बाईफ्रकेट यानी कि ब्रांचेस भी बना सकता है ये एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें एग्जॉन और डेंड्राइट अगर आप दोनों डायग्राम में देखें तो ये बस फाइबरस होते हैं यानी कि मल्टीपल ब्रांचेज जो है इससे बन रही होती हैं क्योंकि इसमें एक कम्पलेक्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम के फंक्शन को हम दो या तीन ब्रॉडली दो या तीन स्टेप्स में डिवाइड कर सकते कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन जैसे हमने कोई चीज़ उठानी है तो हम अपने लेग्स के थ्रू मूव करेंगे फिर आगे हैंड से कुछ चीज़ को पिक करेंगे आइज हमारी उसको ऑब्जर्व कर रही होंगी अब आंखों का हाथों का और पाँव का सब एक आपस में कोआर्डिनेशन है जिसकी वजह से काम हो रहा है ये कोऑर्डिनेशन क्या चीज प्रोवाइड कर रही है नर्वस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बाद हम एक डिसीजन लेते हैं तो तमाम इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना ऑर्गेनाइज करना उसके बाद उसकी डिसीजन लेना ये बेसिकली जो काम होगा ये चीज का नर्वस सिस्टम की जॉब है कि तमाम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन का मतलब तो हो होगा कि दो डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान आपस में लिंक क्रिएट करना या मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और कोऑर्डिनेशन का फिर मतलब ये होगा कि सामने आपस में मिलकर काम करना है